सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों होली आने वाली है और आज के वीडियो पर बढ़ने से पहले होली के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वो ये कि आप सब क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं होली की और क्या क्या बनाते हैं पकवान, कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या क्या करूँगी वो तो आपके साथ में साल दर साल मैं शेयर करती ही रहती हूँ, साथ ही साथ मैं अभी इस साल क्या करूँगी वो भी मैं आपके साथ में आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। और अगर आप कुछ जैसे गुजिया पूड़ी पकवान वगैरह हम बना करके या इस तरह की चीज़ें खा करके बोर हो गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ ठंडी ठंडी रेसिपीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूं जो कि आप इस होली पर खुद के लिए और अपने गेस्ट के लिए सर्व कर सके और इन्जॉय कर सके होली को, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करूंगी ये रेसिपीज़। और अब बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो पर। तो दोस्तों आज का वीडियो है किचन से रिलेटेड, और अगर आपको साइड में बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अगर आपकी किचन मॉड्यूलर है तब उसके लिए हर जगह आपका एक पर्टिकुलर स्पेस होता है कि आपने यहाँ पर ये रखना है, वहाँ पर वो रखना है और इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ना, तो वो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कुछ फ्रेंड ऐसे भी हैं जो रेंटल फ्रेंडली घरों में रहते होंगे, या कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे जिनकी किचन बहुत ज़्यादा छोटी होगी, कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे जिनकी किचन नॉन मॉड्यूलर होगी। तो नॉन मॉड्यूलर और छोटी किचन को या रेंटल फ्रेंडली किचन को हम किस तरीके से, क्योंकि छोटी है ऑलरेडी तो उसमें किस तरीके से ज़्यादा स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं, वही आज आपको ये साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 13 से ज़्यादा ऐसे तरीके जिससे आप अपनी छोटी और नॉन मॉड्यूलर किचन में भी ज्यादा स्पेस बना सकते हो और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो हो सकता है बहुत से फ्रेंड इन चीजों को यूज भी करते हो, लेकिन होता क्या है कि कई बारी हम करते करते वो चीज़ें भूल जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम कुछ ऐसा देखते हैं या किसी से सुनते हैं तो वो फिर हमारी याद आ जाती हैं और उसको हम दोबारा से करने लगते हैं। तो पहला तो ये है, और दूसरी चीज ये कि अगर आप नई नई फैमिली शुरू हुई है तो भी आपके लिए ये टिप्स या हैक्स या ये तरीके आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप सबके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और बहुत बातें हो गई है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किचन कंटेनर्स की। तो अगर आपकी किचन छोटी है या उसमें ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं हैं तो कभी भी आप राउंड कंटेनर्स को ना लें। राउंड कंटेनर्स में देखिए जगह जो होती है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होती है और आपकी जगह जो होती है वो वेस्ट ही हो जाती है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते। तो उसकी जगह अगर आप रेक्टेंगुलर कंटेनर लेंगे या फिर स्क्वायर कंटेनर लेंगे तो उनको आप स्टैक करके भी रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रख सकते हैं और ज़्यादा जगह बना सकते हैं। तो इस टिप को ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा दूसरी टिप है इसी से रिलेटेड कि कंटेनर्स जो होते हैं कई बारी हम इस तरीके से रखते हैं और पीछे अगर हमारे जो भी कंटेनर हैं वो दिखाई नहीं देते, तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइज़र्स परचेज करते हैं। तो उसको बिना ऑर्गेनाइज़र परचेज किए एक तरीका है कि छोटे कंटेनर्स को हम आगे के साइड में रखें, जिससे कि उसको उठाने में या यूज़ करने में हमें इजी रहेगा। और बड़े कंटेनर्स को हम, पहली बात तो ये रेक्टेंगुलर कंटेनर यूज़ करें, है ना, बड़े कंटेनर्स को हम इस तरीके से रखें और उसके ऊपर छोटे कंटेनर रख सकते हैं। तो देखिए कम जगह में ज़्यादा कंटेनर भी आ गए और एक कंटेनर हम उठाएंगे और हमें सारे कंटेनर दिखाई दे देंगे। और वैसे भी अगर हम छोटे कंटेनर रखें या बड़े कंटेनर रखने उठाने के लिए हमें थोड़ा सा हाइट तो चाहिए होगी, लेकिन हाँ विजिबल रहेंगे ये इस तरीके से। तीसरा टिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके के जो प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं ये आपको किसी भी रेडी वाले की शॉप पर मिल जाएंगे, रेडी वाले पर मिल जाएंगे। और जब मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर था तो ये इस तरीके के कंटेनर मैं बहुत यूज़ करती थी, ये उसी टाइम के हैं। आजकल तो मैं इसमें ज्वेलरी सेव करती हूँ, बाकी ये मेरे किचन में बहुत यूज़ में आए। किस तरीके से आए मैं बताती हूँ, क्योंकि ये कंटेनर बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, स्टैकेबल हैं, मल्टीपल तरीके से आप इन कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर डब्बा वाला जो आप लिड वाला लेते हैं कोई भी कंटेनर या प्लास्टिक बॉक्स, तो ये और भी ज़्यादा आसान है। अब देखिए किस तरीके से यूज़ करना है।
हमारी रसोई में छोटी छोटी डब्बियाँ अक्सर होती हैं, और आप से कोई फ्रेंड पूछ भी रहा था कि छोटी डब्बियों को हम कैसे ऑर्गेनाइज करें। देखिए, इस तरह की बास्केट के अंदर या इस तरह के डब्बों के अंदर, क्योंकि ये स्टैकेबल हैं, तो हम छोटी छोटी ढेर सारी डब्बियों को रख सकते हैं और ये बहुत कम जगह में अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं, और कवर होने की वजह से इसके ऊपर मक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं आते, तो हमारी चीज़ें जो रहती हैं वो सेफ रहती हैं और किचन के किसी भी कॉर्नर में रखी हुई खराब भी नहीं लगती। इस टिप को मैं बहुत फॉलो करती थी जब मेरा किचन नॉन मॉड्यूलर था। चलिए, नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि अगर आप माइक्रोवेव किचन में यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर वाला जो टॉप पोर्शन होता है उसको डेकोरेशन की जगह ऐसी चीज़ें रखने के लिए यूज़ करें जो कि आपके रूटीनली यूज़ होती हैं। अब जैसे कि बास्केट में, ये मेरी DIY बास्केट है, इसके अंदर मैंने जो डेली रूटीन की किचन टॉवल होती है या किचन नैपकिन होती हैं उनको रखा हुआ है। इस तरीके से देखिए, ज़रूरत की चीज़ भी आ गई और डेकोरेशन भी हो गई। इसकी जगह जैसे वाटर बॉटल वगैरह को हम रख देते हैं किचन में यहाँ वहाँ, इस तरीके से रखेंगे किसी भी बास्केट में करके, तो वो सुंदर भी लगेगा, चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, जगह भी कम हमारी खर्च हो रही है और हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने ये DIY बास्केट में रखा हुआ है। इसके अलावा अगला टिप है कि हमारे किचन में हम जो भी खाली कंटेनर रखते हैं इस तरीके से करके, काफ़ी सारे कंटेनर ऐसे होते हैं ना, जो हम बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर होते हैं, डब्बियाँ होती हैं, उनको हम खाली रखते हैं कि किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए काम में लेंगे, लेकिन अक्सर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारी यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं। तो जहाँ से हमने खाली कंटेनर रखा है वहीं पर ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके इन चीज़ों को अगर अपनी जगह पर उसी जगह रख देते हैं तो देखिए, हमारी जगह भी सही रही और चीज़ भी हमारी ऑर्गेनाइज हो गई। अगले टिप की बात करूंगी, इस तरह की जो बास्केट होती है वो बहुत ही मल्टीपल यूज़ में आती हैं, और ये बास्केट मेरी बहुत पुरानी बास्केट्स हैं। इस तरह की मेरे पास कई बास्केट हैं जो कि मैं नॉन मॉड्यूलर किचन में अपने यूज़ करती थी। तो इसको आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह रखने के लिए, अनियन पोटैटो वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने किचन का कोई छोटा मोटा सामान को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के अनियन पोटैटो को अगर आप इस तरीके से करेंगे तो कम जगह में आपकी ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, और अनियन पोटैटो को आप आउटर साइड में रखें। अगला टिप है कि किचन का जो इस तरह का जो शेल्फ होता है, कहीं पर भी अगर आपके शेल्फ है तो शेल्फ के अंदर वाला पोर्शन जो है उसको यूज़ करें छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब देखिए, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट हुक्स आपको मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, डिपेंड करता है आप किस तरीके का हुक यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि प्लास्टिक हुक है, ये 3mm का हुक है, जो कि काफ़ी हैवी चीज़ें हैंग करने के लिए काम में आता है, ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी सेल्फ एडहेसिव प्लास्टिक हुक है मेरे पास। तो इस तरीके के छोटे छोटे हुक आपको सब जगह मिल जाएंगे, ये कमांड हुक है। तो इस तरीके के हुक्स को आप किचन के अंदर के साइड में लगा करके, जो शेल्फ है कैबिनेट की, तो उसके अंदर लगा करके आप छोटी छोटी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पर ये शेल्फ वो हैंग किया हुआ है, इसके अलावा अपने प्लास्टिक के सामान जो फोटो फ्रेम थे उनको भी किया है। अगली टिप है कि किचन अगर आपकी छोटी है तो जो दीवारें होती हैं उनको यूज़ करें आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनाइज़र खरीदें जो आप दीवार पर हैंग कर सकते हैं, लेकिन सभी दीवारों को ना भरें, कोई एक पर्टिकुलर दीवार चुन लीजिए जिसके ऊपर आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिससे कि बाकी की दीवारें जो हैं वो खाली रहें, और ये आपके लिए सुंदर भी लगेगा और ऑर्गेनाइज भी लगेगा देखने में। अगले टिप के बारे में बात करती हूँ, इस तरीके के मार्केट में ढेरों ऑर्गेनाइज़र आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन आप जब भी ऑर्गेनाइज़र खरीदते हैं, हम क्या करते हैं, छोटा बड़ा जैसा हमें सही लगता है ज़रूरत के अकॉर्डिंग खरीद लेते हैं, लेकिन फिर हमें लगता है कि यार इन्होंने बहुत ज़्यादा जगह घेर ली है। तो इसकी जगह क्या होता है, आप छोटे और स्मार्ट ऑर्गेनाइज़र खरीदें जिसमें कम जगह में ज़्यादा सामान आ जाता हो। इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र खरीदने में आपका स्पेस काफ़ी खुला खुला लगेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं पेंट्री की। तो पेंट्री के लिए इस तरीके का, देखिए जो एक्स्ट्रा सामान होता है हमारा ग्रॉसरी का, जो भी सामान होता है एक्स्ट्रा, कुछ तो हम कंटेनर में भर देते हैं, बाकी जो बचता है वो हम इस तरीके से रख देते हैं। तो अगर आपके किचन में जगह कम है तो इस तरीके के बड़े कंटेनर लीजिए,
बड़े कंटेनर में सभी ग्रोसरी को रख करके उसको लिड लगा करके आप रख देंगे तो आपका जो ग्रोसरी का सामान है वो एक ही बॉक्स में कम जगह में ढेर सारा सामान आ जाएगा और आपको यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और आपकी जगह की भी बचत होगी। चलिए अगली टिप शेयर करती हूँ अगेन इन बास्केट्स की। तो अगर आपके किचन में जगह कम है या स्पेस कम है तो आप इस तरह की बास्केट्स को यूज़ कर सकते हैं अनियन पोटैटो को स्टोर करने के लिए। अब अनियन पोटैटो को स्टोर तो हमने कर लिया लेकिन रखें कहाँ? अगर आप इनको बाहर रखेंगे किचन से तो इससे मक्खी मच्छर छिपकली वगैरह भी नहीं आएंगे, किचन की स्पेस भी बची रहेगी और आपके अनियन पोटैटो खराब होने से भी बचेंगे। इसके अलावा अगली टिप के बारे में बात करती हूँ, अगर आपकी नॉन मॉड्यूलर किचन है तो जहाँ पर आप बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं उसको इस तरीके के कर्टन से कवर करके रखेंगे तो वो नीट एंड क्लीन भी लगता है, देखने में सुंदर भी लगता है और जगह ज़्यादा घिरी हुई पता नहीं चलती है, तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज लगती है तो किचन में स्पेस जो होता है वो खुला खुला महसूस होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज के ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन इसी तरीके के वीडियो आगे भी देखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।